चिमूर में भाजपा सांसद तथा भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन की मौजूदगी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष बढ़ाते समय इसी शहर में एक सभा में 5 कार्यकर्ताओं से भाषण की शुरुआत की थी और आज उनकी बेटी 50,000 कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी का विचार बढ़ाने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आई हुई महिलाएं यह भाजपा की ताकत है, ऐसा प्रतिपादन सांसद तथा भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने किया। चिमूर के हुतात्मा स्मारक सभागृह में भाजपा महिला तालुका आघाड़ी की ओर से आयोजित भव्य महिला सम्मेलन तथा हल्दी कुंकू कार्यक्रम के संबंध में उद्घाटक के रूप में वे बोल रही थी। अध्यक्ष स्थान पर चिमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया, जिला परिषद उपाध्यक्ष रेखा कार्यकर, भाजपा महिला आघाड़ी प्रदेश महामंत्री पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर, वसंत वारजुरकर, भाजपा महिला आघाड़ी जिला अध्यक्ष रेणुका दुधे, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा भांगड़िया, अपर्णा भांगड़िया, कुनगर अध्यक्ष तथा नगर सेवक शिल्पा राचलवार, नगर परिषद गट नेता छाया कंजरलावार, डॉक्टर देवनाथ गंधारे, दत्तू पीसे, डॉक्टर श्याम हटवादे, प्रकाश वाकड़े, नीलम राचलवार, राजू देवदले, मजर पटेल, प्राध्यापक विजय टिपले, मनोहर मुंगले, ओम प्रकाश गनोरकर, दिलीप कारेकर, अवि बारोकर, नम्रता राचलवार, किशोर मुंगले आदि उपस्थित थे। इस दौरान विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। सांसद पूनम महाजन तथा विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया का शाल और सिफल देकर सत्कार किया गया। इस दौरान डॉक्टर श्याम हटवादे, गीता लिंगायत, प्रदेश महामंत्री अर्चना डेयनकर, अपर्णा भांगड़िया, नीलम राचलवार ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का प्रस्ताविक माया ननावरे ने किया तथा संचालन भारती गुड़े ने और वही आभार कल्याणी सातपुते ने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के लिए भाजपा महिला आघाड़ी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।